सतना के व्यापारियों की शीर्ष संस्था विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में बवाल मच गया है। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष ने मनमानी और ज्यादतियों से नाराज होकर अन्न जल त्याग दिया है। वे चैम्बर की चौखट पर अनशन पर बैठ गए हैं। पूर्व अध्यक्ष के इस कदम ने चैम्बर की राजनीति का सियासी पारा चढ़ा दिया है। विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व महामंत्री और अध्यक्ष रह चुके विवेक अग्रवाल चैम्बर भवन की चौखट पर अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक हमारी सदस्यता बहाल नहीं की जाती तब तक अनशन समाप्त नहीं होगा। जानकारी मिलने पर सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने विवेक की लड़ाई को अपना समर्थन दिया। चैम्बर अध्यक्ष चुने गए सतीश सुखेजा को भी उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों ने जानकारी दी। सुखेजा ने पहले तो चैम्बर भवन पहुंचने की जानकारी दी लेकिन इसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। सुखेजा के इस रवैये से व्यापारियों का आक्रोश और गहरा गया है। अनशन पर बैठे पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने बताया कि जिस संस्था को उन्होंने 16 वर्ष तक सेवा करके अपना खून पसीना लगाकर बढ़ाया उससे उनकी सदस्यता एक साजिश के तहत खत्म कर दी गई। पिछले 5 वर्षों से लगातार चैम्बर में साजिशों का दौर चलता रहा और कई लोगों को निराधार मामलों में फंसाकर चैम्बर का राजनीति और दुश्मनी भुनाने का जरिया बना दिया। उनके खिलाफ भी 3 मार्च 2022 को एक शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई लेकिन कोई आधार अथवा सबूत पुलिस को नहीं दिए गए, जबकि अगले ही दिन उन्होंने भी SP को ज्ञापन देकर पूरे मामले की जांच कराने का आग्रह किया। बिना कोई सबूत दिए और बगैर दोष सिद्ध हुए ही चैम्बर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। मैं यहाँ 16 साल विभिन्न पदों में था, 4 बार मैं अध्यक्ष था। जब मैं 1998 में चैम्बर में आया तो चैम्बर में लोन था और जब मैं चैम्बर से गया हूँ तो करोड़ों रुपये यहाँ बैंक बैलेंस छोड़ के गया था। जब मैं चैम्बर में आया था तो गतिविधियों का अभाव था और जब मैं चैम्बर से गया था तो गतिविधियाँ उफान में थी। चैम्बर सिर्फ व्यापारियों का नहीं आम जनता की आस्था का केंद्र बन गया था, लेकिन लगातार जो मेरी बढ़ती छवि को देखते हुए कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और पिछले 5 साल लगातार मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए और 14 महीने पहले एक झूठी FIR किया। जिस दिन FIR किया 3 मार्च 2022 को, मैं 4 मार्च 2022 को जाके SP यादव थे उनको जाके पूरा अभ्यावेदन देकर के आया। अभ्यावेदन देने का मतलब ये होता है कि अगर अपराधी हूँ मैं तो मैं भाग नहीं रहा हूँ और साथ में पूरे सबूत लेकर के आया हूँ। अभ्यावेदन कोर्ट में उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। SP ने पूरे विषय को समझा और उन्होंने निर्देश दिए। उस निर्देश के अनुसार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पत्र आए कि आप अपना पक्ष पूरा प्रस्तुत करिए। चैम्बर ने लिख के दे दिया मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, सारा काम कर्मचारी देखते हैं और जानबूझकर ये FIR 14 महीने से लटका के रखा हुआ है। अभी नई कार्यकारिणी जीत करके आई, चुनाव ही नहीं हो रहा था लेकिन वो धरने में बैठे, फिर चुनाव हुआ और उसके बाद नई कार्यकारिणी जीत के आई। नई कार्यकारिणी में 21 में से 18 लोगों ने मेरे फेवर में लिख करके दिया और 18 लोगों ने साइन करके अध्यक्ष को जमा किया। मैंने भी एक चिट्ठी दिया, मैंने भी अपना पूरा पक्ष रखा। बजाय इसको कार्यकारिणी में रखने के, बजाय इसमें कोई कार्रवाई करने के, बजाय इन 18 लोगों के का सम्मान करने के, इनकी भावनाओं के, कल से अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर दो तीन लोगों को बुला करके धमकाना शुरू कर दिया और बोला कि अगर आप इसके खिलाफ ये नहीं लिखोगे कि मतलब ये मुझसे ज़बरदस्ती करा लिया है या कुछ भी करा लिया है तो मैं आपके यहाँ छापे डलवा दूंगा, आपकी आर्थिक हानि करा दूंगा। 2-3 लोग बेचारे नए थे, उन्होंने साइन भी कर दिया। साइन करने के बाद में उनमें से 1-2 लोग मेरे पास सुबह आए और रोने लगे, बोले कि भैया मेरे से बड़ी गलती हो गई और बताइए मैं ऐसा साइन करके आ गया हूँ। मुझे लगा ये अति हो रही है और अभी तक मैं चैम्बर के विषय को, ये मेरा मंदिर है, यहाँ मेरे मैंने बहुत पूजा की है इस पूरे संस्था की, लेकिन आज मुझे बड़ी मजबूरी में बहुत दुखी मन से आकर के मुझे 11 बजे से यहाँ पर बैठना पड़ा। मैंने सुबह से न पानी पिया है न मैंने खाना खाया और मैं अभी अनिश्चितकालीन यहाँ पर मैं अनशन में हूँ और जब तक यह 18 लोगों ने जो अपनी भावना प्रकट की है उनकी भावना के अनुसार आपातकालीन बैठक बुला करके और अगर अध्यक्ष निर्णय नहीं लेते जब तक, तो मैं यहाँ पर अपने इस स्टैंड में कायम रहूँगा।